बैक टू माई चैनल, दिस इज फैशन विद चेतना। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ रेड एंड मैरून कलर अफोर्डेबल लिपस्टिक्स। अभी जो है फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो सभी लोगों को जो है रेड और मैरून कलर की लिपस्टिक जो है चाहिए होती है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ में मैट एंड लिक्विड लिपस्टिक दोनों टाइप की रेड एंड मैरून कलर लिपस्टिक जो है वो शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको परचेस करने में जो है आसानी हो जाए। तो चलिए मेरे वीडियो के साथ कंटिन्यू बनी रहिए कि मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ कौन कौन सी लिपस्टिक जो है शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है कलर बार की ये मैट लिपस्टिक। इसमें जो है इसका प्राइस जो है वो 325 रुपीज़ है, और इसमें जो मेरा शेड है 63 शाई चेरी, और इसमें आपको जो है 4.2 ग्राम जो है प्रोडक्ट मिलता है। इस मैट लिपस्टिक के साथ में इस टाइप का बुलेट आता है। एक्चुअली मैंने इसे बहुत यूज़ कर लिया है, इसलिए इसका बुलेट आपको पॉइंटेड नहीं दिख रहा है। अदरवाइज़ इसके साथ में जो पॉइंटेड बुलेट आता है, और अगर आप इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो तो आप किसी भी लिप ब्रश की हेल्प से भी आप इसको अच्छे से कवर करके लिप की एजेस को अप्लाई कर सकते हो। ये जो रेड कलर है वो ना तो ज़्यादा डार्क रेड कलर है, ना ज़्यादा मरून टोन के अंदर आता है, ये नॉर्मल मीडियम कलर है। और इसका जो स्टे पावर है वो लाइक 2 to 3 आ रहा है। आप कुछ भी खाओगे तो ये इसके रिमूव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक टिप बताऊंगी कि आप इसे अप्लाई करने के बाद एक टिश्यू पेपर से इस टाइप से प्रेस करके जो एक्सेस कलर होता है उसको रिमूव कर लें, तो इससे जो है आप इसको इसकी जो स्टे पावर है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि किसी भी लिपस्टिक को अप्लाई करने से पहले, चाहे वो मैट हो या लिक्विड लिपस्टिक हो, आपको पहले वैसलीन या लिप बाम जो भी आप अप्लाई करते हो लिप्स पर उसे अप्लाई कर लेना है। उसके बाद में टिश्यू पेपर या जो आपका रफ टूथ ब्रश होता है उससे आपको जो है डेड स्किन को रिमूव कर लेना है। उसके बाद में आपको लिपस्टिक अप्लाई करनी है। इससे क्या है कि लिपस्टिक क्रैकी नहीं दिखेगी और काफ़ी अच्छा लुक दिखेगा। और अगर आप लिपस्टिक का एक्चुअल कलर दिखाना चाहते हो तो उससे पहले आप थोड़ा सा फाउंडेशन लिप्स पर जो है अप्लाई कर लो, तो उससे क्या है आपकी लिपस्टिक का एक्चुअल कलर आएगा। तो ये थी मेरी फर्स्ट मैट लिपस्टिक। नेक्स्ट जो मेरी लिपस्टिक है वो अगेन कलर बार की है। इसमें जो मेरा शेड है वो 05 पैशन। ये जो कलर है वो मरून कलर आता है, जो कि फेस्टिवल सीजन के लिए बहुत अच्छा कलर है। ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए बहुत प्रिटी कलर है। मैं आपको इसका स्वेच भी दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा दिखता है। अगेन ये पॉइंटेड बुलेट के साथ में आता है, आप देख सकते हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है, और इसका स्टे पावर जैसे कि मैंने आपको पहले वाली लिपस्टिक के अंदर बताया था वैसा ही है, 2 to 3 आवर, और एक्सेस को आपको रिमूव करना है तो इससे ये इजीली 3 to 4 आवर जो है टिक सकती है। और अगेन इसका प्राइस जो है 325 रुपीज़ है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि नायका पे मोस्ट ऑफ टाइम 25% या 50% फ्लैट ऑफ रहता है, तो आप इजीली इसको 230-265 में ईजिली परचेज कर सकते हो। शेयर करने जा रही हूँ वो है लैक्मे 9 to 5 प्राइम प्लस मैट लिपस्टिक। ये अगेन मैट लिपस्टिक है, इसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप से आती है और इसका बुलेट इस टाइप से आता है। अगेन आप इसको किसी भी लिप ब्रश की हेल्प से ये डायरेक्टली जो है आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इसका जो कलर है वो ऑरेंजिश रेड कलर है, जो कि फेयर टू मीडियम स्किन टोन वालों पे बहुत अच्छा लगता है। और इसका जो प्राइस है वो 480 रुपीज़ है, बट नायका और अमेजोन पे मोस्ट ऑफ टाइम डिस्काउंट में आपको ईजिली 360-400 के अंदर जो है मिल जाएगी। और इसमें जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो 36 ग्राम प्रोडक्ट मिलता है, जो कि बहुत ही 3.6 ग्राम प्रोडक्ट मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये अफोर्डेबल रेंज की लिपस्टिक है। अगर आप कोई ऑरेंजिश रेड कलर टोन में लिपस्टिक सर्च कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है। अगेन आपको इसको अप्लाई करने से पहले डेड स्किन को वैसलीन की हेल्प से जो है रिमूव करना है।
लिपस्टिक है अगेन ऑरेंजिश रेड कलर के अंदर आती है, लेकिन ये जो लिपस्टिक है वो फेयर टू मीडियम और सभी स्किन टोन पर ये जो लिपस्टिक है बहुत अच्छी लगती है। ये इस टाइप की पैकेजिंग के अंदर आती है, आप इसको शार्पनर की हेल्प से शार्प कर सकते हो और इस टाइप से ये दिखती है। काफ़ी स्मूथ क्रीमी टेक्सचर लिपस्टिक है, ये कम्प्लीटली मैट लिपस्टिक नहीं है, बहुत स्मूथ इसका टेक्सचर है। और इसका जो प्राइस है वो 499 रुपीज़ है, अगेन आपको डिस्काउंट में काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल सकती है फेस्टिवल सीजन के टाइम पर। और ये लिपस्टिक मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि इसका स्मूथ टेक्सचर है और मतलब बहुत ही डीप ऑरेंजिश रेड कलर है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। जैसा कि इसका नाम है कॉल मी रेड डार्लिंग 06, तो बहुत अच्छी लिपस्टिक है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लिपस्टिक है वो नेक्स्ट मैट लिपस्टिक है, इसका प्राइस जो है वो 625 रुपीज़ है। इस टाइप की पैकेजिंग के अंदर आती है, इसकी पैकेजिंग बहुत क्यूट है और ये सभी स्किन टोन पर काफ़ी अच्छा सूट करती है। इसका जो कलर है वो बहुत डार्क रेड कलर है और इसका स्टे पावर जो है वो 4 to 5 आवर है। अगेन आपको एक्सेस को रिमूव करके इसकी एक्सेस पावर को बढ़ा सकते हैं। और इसका जो प्राइस है वो थोड़ा मुझे ज़्यादा लगा इस कंपेरेटिवली कलर बार से, क्योंकि इसका जो मैट फिनिशिंग है वो कलर बार जैसी ही है, तो इसका प्राइस के अकॉर्डिंग इसका बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज ये लिपस्टिक काफ़ी अच्छी है, ये मैट लिपस्टिक है, कोई क्रीमी टेक्सचर नहीं है, अगेन सभी स्किन टोन वालों पे बहुत अच्छी लगती है, तो आई लाइक इट। लिपस्टिक और इसमें जो मेरा शेड है वो 10 मिस्टी है, आपने मेरे पहले अनुष्का शर्मा वाले वीडियो में भी देखा होगा, उसमें मैंने ये लिपस्टिक जो है मेकअप के साथ में ट्राई किए। ये रेड नियॉन रेड कलर जो है वो देता है, वो थोड़ा सा पिंकिश रेड टोन कलर आता है बट नॉट कम्प्लीटली पिंकिश कलर, ये मुझे काफ़ी अच्छा रेड कलर लगा, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और इस लिपस्टिक का जो स्टे पावर है वो 5 to 6 आवर है, आप कुछ खाओगे पियोगे तो भी वो रिमूव नहीं होगी। कम्प्लीटली मैट लिक्विड लिपस्टिक है, बहुत अच्छी लिपस्टिक है और इसका जो प्राइस है वो 550 रुपीज़ है। अगेन ये सभी स्किन टोन वालों के लिए बहुत अच्छी लिपस्टिक है और इसका जो एप्लीकेटर आता है वो इस टाइप से आता है, ये बहुत अच्छे से लिप्स की एज को कवर करता है, तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी, बहुत हैंडी है, अच्छे से लिपस्टिक जो है अप्लाई हो जाती है, तो ये लिपस्टिक मुझे बहुत अच्छी लगी। शेयर करने जा रही हूँ वो है इन कलर की मैट में लिप्स लिक्विड लिपस्टिक, ये बहुत अच्छी अफोर्डेबल रिजनेबल प्राइस की लिपस्टिक है। इसका प्राइस जो है वो 250 रुपीज़ है, ये मैंने अमेजोन से परचेस करी थी। ये अगेन सभी स्किन टोन वालों के लिए बहुत अच्छी लिक्विड लिपस्टिक है। ये इसका जो कलर है वो डार्क रेड कलर में आता है, डार्क मरून कलर नहीं, डार्क रेड कलर में आता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये इस टाइप की ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग के अंदर आती है और इसका एप्लीकेटर जो आता है वो इस टाइप से पॉइंटेड आता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, इजीली आप लिप्स पर अप्लाई कर सकते हो। और इस लिपस्टिक को अप्लाई करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो है वैसलीन से ड्राई स्किन को रिमूव करके फिर ही अप्लाई करें, अदरवाइज ये बहुत क्रैकी दिखेगी, क्योंकि इस ब्रांड में जो लिक्विड लिपस्टिक आती है वो डार्क कलर बहुत क्रैकी दिखते हैं अगर आप इसको वैसलीन से डेड स्किन रिमूव करके नहीं लगाते हो तो। बाकी इसका स्टे पावर जो 5 to 6 आवर है, बहुत अच्छी लिक्विड लिपस्टिक है और अफोर्डेबल रेंज की लिपस्टिक है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, आप लोग भी इसे फेस्टिवल सीजन के लिए ट्राई कर सकते हैं।
करके भी बता सकते हैं कि आप लोगों के लिए ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा, और आप लोग जो है इसे आगे भी शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, ताकि उन लोगों को भी लिपस्टिक परचेज करने में थोड़ी हेल्प हो जाए। सो गाइज, थैंक यू गाइज, बाय बाय।